आइए आपको भी खूब मस्ती कराएं और दिखाएं उत्तरायणी की रौनक कैसी है उत्तरायणी। कहते हैं युवा संस्कृति के ध्वजवाहक होते हैं, इसीलिए देखिए युवाओं का जोश देखते ही बनता है यहाँ पर उत्तरायणी कौतिक में। उत्तराखंड की विभिन्न विरासत कला और संस्कृति, विभिन्न तरह के खान पान परंपराओं को अगर कहीं देखना है तो आपको पिथौरागढ़ की उच्च हिमालयी संस्कृति की ओर बढ़ना होगा। निश्चित रूप से यह संस्कृति हमारे देश की ही नहीं विश्व की परंपराओं में से एक है। देवभूमि उत्तराखंड में उत्तरायणी पर्व, जिसे मकर संक्रांति का पर्व भी कहा जाता है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस समय भारत के विभिन्न हिस्सों से जो उत्तराखंड के निवासी हैं उत्तराखंड में वापस भी आते हैं और अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। जोशीमठ, जो कि आज विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है, छात्र संघ हल्द्वानी के द्वारा गोलजू देवता से प्रार्थना की गई कि जोशीमठ को बचाने का एक संकल्प लें, एक आशीर्वाद दें उसे।
प्रसाद तैयार किया जा रहा है भक्तों को बांटने के लिए। कोलजू देवता की झांकी आप देख सकते हैं, साथ साथ कोलजू देवता के मंदिर को यहां पर उतारने का प्रयास किया गया है। कोलजू देवता की झांकी जारी है। झांकी में महिलाएं परंपरागत वेशभूषा रंगोली पिछोड़ा पहनकर प्रतिभाग करती हैं और अपने गीतों के माध्यम से नृत्य की विभिन्न मुद्राओं में हर्षोल्लास व्यक्त करती हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर निकाली जाने वाली यह झांकी लोगों के बीच में खासा आकर्षण का केंद्र बन जाती है। नगर में जगह जगह पर झांकी का फूलों से स्वागत किया जाता है। कल्पना भंडारी है और मैं पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच की लगभग 20 साल से सदस्य हूँ और हमारी महिलाएं पीछे झोड़ा कर रही हैं और मैं उस झोड़े को आपको गाकर सुनाती हूँ। खोल दे माता खोल भवानी धार में केवाड़ा, ओहो खोल दे माता खोल भवानी धार में केवाड़ा, ओहो गोरी गंगा भागी रथी को के भलो रे बाड़ा, ओहो गोरी गंगा भागीरथी को के भलो रे बाड़ा, ओहो खोल दे माता खोल भवानी हार में के बाड़ा, ओहो के ले रे छे भेट पकोबा के खोलू के बाड़ा, ओहो के धन्यवाद।
भाई जो अल्मोड़ा से आया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत शानदार लग रहा है। उत्तराणी के पॉइंट पर आज हॉकी का प्रदर्शन और मैं इंडियन आर्मी और फ्लैग्स को देखते हुए। आप मेले में आए और कुछ भी खाए बिना चले जाएं, ये कैसे संभव है? इसीलिए आप जहाँ भी जाएंगे उत्तरायणी के अवसर पर इस तरह से आपको भांति भांति के व्यंजन जिनमें शकरकंद का फ्रूट चाट और नींबू सना हुआ खाने को मिलेगा। आप इनका भरपूर आनंद ले सकते हैं और साथ ही साथ मेले से जी भर के खरीदारी भी कर सकते हैं। मेले में लगे हुए स्टॉल किसी भी मेले की रौनक होते हैं। क्या आपने इस बार इन मेलों से खरीदारी करी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।